छतरपुर में हुए पत्थरकांड को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले में तमाम राजनीतिक पार्टियां आरोपी के पक्ष में सामने आ गई हैं और सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को गलत और असंवैधानिक बता रही हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बीजेपी पर अल्पसंख्यकों का शोषण करने का आरोप लगाया है। छतरपुर में मुसलमानों द्वारा पुलिस थाने पर किए गए पथराव के मामले में राजनीति गरमाई हुई है। इस मामले में विपक्ष सरकार के बुलडोजर एक्शन पर खासा नाराज नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती ने बीजेपी सरकार पर अल्पसंख्यकों से भेदभाव के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बुलडोजर कार्यवाही करके बीजेपी सरकार दूसरे प्रदेशों की तरह ख्याति पाना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए अल्पसंख्यकों पर दोषारोपण किया है। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी दूसरे प्रदेशों से ये सोचती है कि बुलडोजर से हम अपनी ख्याति प्राप्त कर लेंगे। बुलडोजर विनाश का प्रतीक होता है, चीजों को तोड़ने का प्रतीक होता है। अगर हम कुछ विकास करना चाहते हैं तो लोगों के जीवन में खुशहाली आए, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। लोगों में आर्थिक मजबूती हो, सामाजिक मजबूती हो, उस पर काम करने की आवश्यकता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।